माई चैनल ऑन इनोवेट तनु। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू यूज कैस्टर ऑयल। तो मैंने वाव का मंगाया था कैस्टर ऑयल, तो आज मैं बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके पहले हम बेनिफिट जान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपके जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हाइड्रेशन देता है, जो आपके बालों को हाइड्रेशन चाहिए होती है वो देता है। जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं वो फ्रिजी हेयर्स आपके सही हो जाते हैं एकदम, और हेयर का रीग्रोथ करता है। सो ओवरऑल आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इसकी थिकनेस की वजह से लोग कैस्टर ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर आप कैस्टर ऑयल डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगाओगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो डायरेक्ट आप लगा लोगे तो जब आप इसमें मसाज करने लगोगे तो ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या होगा कि आपके बाल उस फ्रिक्शन को झेल नहीं पाएंगे और वो टूटने लगेंगे, तो हेयर ग्रोथ की जगह हेयर लॉस आपका होने लगेगा। तो इसका यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैस्टर ऑयल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बाउल और एक स्पून ले रही हूँ, और मैं ले रही हूँ वाव का कैस्टर ऑयल। सो ये मैं वाव का मैंने मंगाया था कैस्टर ऑयल। सो मैं इसको 1 टीस्पून इसमें लूँगी बाउल में। तो पहले ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे वाव का 1 टीस्पून ले लिया है कैस्टर ऑयल। ये देखिए कितना थिक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, और मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से ले लोगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है। अब इसमें आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो, कोई सा भी जो कि थोड़ा सा थिक ना हो, तो मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें आलमंड ऑयल मिक्स करने वाली हूँ। आप कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हो इसमें, बट वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इसमें मिक्स करने वाली हूँ आलमंड ऑयल, जो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी कैस्टर ऑयल जो आपने लिया था 2 टेबल 1 टीस्पून, तो इसी में मैं इसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिक्स करूँगी, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि आप देख रहे हो, आप ऐसे भी देख सकते हो ये थिक ज़्यादा नहीं होता, कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स कर दिया है। कैस्टर ऑयल आपको अच्छे से मिक्स करना है। ओके, अब मैंने इसमें आलमंड ऑयल भी मिक्स कर दिया है वाव में। अब आप इसकी थिकनेस देखो, ये देखो, थिन करना चाहते हो क्योंकि अभी भी ये थिक है, तो हल्का सा हम इसको क्या करेंगे, हीट कर लेंगे, हल्का सा इसको हम गर्म करेंगे। बस ज़्यादा हीट नहीं करना है आपको। बस अब ये अब यहाँ पे इसको हीट कर लिया है, ये देखिए कितना थिन हो गया, बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएगा। अब आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने सबसे पहले इसको हाथ पे ले लूँगी, जैसे होता है वैसे ही हो गया, देखो मेरे हाथ में एकदम प्रॉपरली ये बैंड हो रहा है। तो हल्का सा मैं इसको अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। अगर आप वैसे ही कैस्टर ऑयल डायरेक्ट लगाओगे तो ये आपके बालों में फ्रिक्शन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल टूटने लगेंगे। तो अगर आप इसको मिक्स करके किसी भी चीज़ में लगाते हो, क्योंकि कैस्टर ऑयल अकेला बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो हमें डायरेक्ट कैस्टर ऑयल यूज़ नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं और लूँगी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल एंड आलमंड ऑयल मिक्स करके मैंने अपने आप स्कैल्प में लगा लिया है। मैं इसको अपने पूरे बालों में अच्छे तरीके से लगा लूँगी, और ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, हल्का हल्का टैबिंग मोशन में लगाना है। और एकदम प्रॉपर आप लगाना है इसको, तभी इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एकदम प्रॉपर आप लग रहा है, ये एकदम भी थिक नहीं है, ये एकदम भी थिक नहीं बचा है। अब ज़्यादा आपको कोई भी ऑयल नहीं रगड़ना होता है अपने बालों में, हल्की हल्की ही मसाज करनी रहती है, क्योंकि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, जिसकी वजह से ये टूट भी सकते हैं। तो आपको हल्का सा मेरे हाथ में जितना भी ऑयल होगा सब, या तो आप एक हाई सी बन भी बना सकते हो, तो आप बन बना लो, क्योंकि आपने पूरे प्रॉपर हेयर पे ऑयलिंग कर लिया है, तो आप एक बन बना सकते हो आराम से, जिससे कि आपके बाल टूटे नहीं। टैप कर लो, बस हो गया आपके ऑयल डन।
ऑयल लगाने के बाद आपको 2 to 3 आवर्स के बाद हेयर वॉश कर लेना है। एंड इसके बाद जब आप हेयर वॉश करोगे तो आपको लगेगा कि आपको शैम्पू ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट उसके बाद जब आपके हेयर्स पूरे वॉश हो जाएंगे तो आपके हेयर्स अलग से शाइन करेंगे और एक्स्ट्रा जो फ्रिजीनेस उसमें रहती है पूरी खत्म हो जाएगी और आपके हेयर जो होंगे वो हाइड्रेट कर जाएंगे। ओके एंड अगर आपको समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर करिएगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू, बाय।